व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ PRHD। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हिमालय मैन एक्टिव स्पोर्ट फेस वॉश। साथ में बात करेंगे इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स के बारे में और शेयर करूंगा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इसे यूज़ कर रहा हूँ। ये दो क्वान्टिटी में अवेलेबल है, 50 ml एंड 100 ml। ये हमारे पास है 100 ml वाला पैक। और दोस्तों अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका आपको बेस्ट बाय लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये हमें प्रोवाइड हुआ है। ऊपर के साइड में हिमालय मैन एक्टिव स्पोर्ट फेस वॉश की ब्रांडिंग की गई है, पर ये जो एक्टिव स्पोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ये बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है हिमालय की तरफ से इस प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। दोस्तों अगर आप इसे परचेस करने का सोच रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे विंटर्स के लिए परचेस करें, ना कि समर्स के लिए, क्योंकि ये उतना इंटेंस फ्रेशनेस नहीं देता, इसका फ्रेशनेस लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती और समर्स में हमें काफी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस की जरूरत होती है। दोस्तों मैं इसे विंटर्स में इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि ये नॉर्मल फ्रेशनेस दे देता है। दोस्तों अगर हम कंपेयर करें इसे गार्नियर के नीम फेस वॉश से, तो वो फेस वॉश अपने में काफी अच्छा फेस वॉश है। आप उसे समर में भी यूज कर सकते हैं और विंटर्स में भी यूज कर सकते हैं, पर आप इसे विंटर्स में यूज कीजिएगा, समर में नहीं, क्योंकि ये उतना अच्छा फेस वॉश नहीं मुझे लगा। और दोस्तों इसमें आपको पूरे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते, इसमें आपको कुछ केमिकल भी मिलता है, पर वो हमारे फेस के लिए हार्मफुल नहीं है। दोस्तों MRP की बात करें तो MRP है 160 rupees। साथ में यहाँ पर पैकेजिंग डेट के साथ साथ लॉट नंबर और काफी सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। इस साइड में इंग्रेडिएंट्स दिया गया है, पूरे को स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कुछ केमिकल्स भी एडेड हैं। साथ में यहाँ पर बारकोड दिया गया है और नीचे की साइड में आपको फैक्ट्री डिटेल के साथ साथ कस्टमर केयर नंबर, email ID और काफी सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। अंदर के साइड में हमें कुछ इस तरह का रेड जेल मिलता है, इसमें आपको छोटे छोटे स्क्रब्स के पार्टिकल भी मिलेंगे, पर वो कोई भी काम के नहीं है, उतने अच्छे से डर्ट और ऑयल को क्लीन नहीं करता, पर नॉर्मली आपको फ्रेशनेस दे देता है। अगर मेरे रिकमेंडेशन की बात करें तो मैं एक बार बोलूंगा कि आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, आपको अच्छा भी लग सकता है और बुरा भी लग सकता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक देखते रहिए प्रोडक्ट रिव्यू HD चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।